अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों से दे, अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम फैमिली को खुश आबाद रखे। तो आज मैं अपना व्लॉग जो है वो काफ़ी लेट शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि घर के इतने काम थे तो मुझे टाइम ही नहीं मिला अपना व्लॉग शुरू करने में। तो अभी अभी मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है, तो अभी सबसे पहले जाके मैं नान का ऑर्डर दे के आता हूँ, क्योंकि टाइम जो है बस होने वाला है। सर को मैंने फ़ोन कर दिया कि इब्राहिम को रेडी रखना और आप भी रेडी रहना, तो मैं आऊँगा तो आप लोगों को ले कर आऊँगा, क्योंकि आज कौसर और सितारा जो है वो काफ़ी महीने के बाद जो है मिलने वाली है। तकरीबन कोई दो एक महीने तो हो ही गए होंगे, तो अभी उनकी मुलाकात भी हो जाएगी। तो चले अभी मैं अपनी बाइक निकालता हूँ और जाके नान का ऑर्डर दे के आता हूँ। तो नान का ऑर्डर देने के लिए अभी मैं मार्केट पहुँच गया हूँ, अभी जाके नान का ऑर्डर दे देता हूँ। नान का ऑर्डर देने के बाद मैं जाऊँगा पकवान पर, वहाँ पे भी मैंने ऑर्डर दिया हुआ चिकन कौरमा, बिरयानी और स्पेशल जर्दे का। तो यहाँ पर मैंने नान का ऑर्डर दे दिया है, तो अब चलता हूँ मैं वापस घर। पहले वो सालन का भी चेक कर लेता हूँ कि वो रेडी हुआ या नहीं हुआ। तो मैं आया था सामने पकवान सेंटर पर, यहाँ से मैंने पता कर लिया, अभी थोड़ी देर है, जो मैंने टाइम दिया था तो उस टाइम के मुताबिक ही रेडी करेंगे। वैसे मैंने पता कर लिया, मैं नान का ऑर्डर देने आया था तो इस वजह से मैंने पता कर लिया, ताकि इनको जल्दी हो, ये हो कि टाइम पर रेडी कर सकें ये लोग। तो ऑर्डर देने के बाद मैं वापस घर आ गया हूँ। जी, मैं नान का ऑर्डर जो है वो दे के आ गया हूँ। तो अभी बाइक को मैंने अंदर लगा दिया, तो अभी गाड़ी बाहर खड़ी, अभी मैं गाड़ी पर चलता हूँ, कौसर और इब्राहिम को लेके आता हूँ। मैं सितारा को बता देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ इब्राहिम और कौसर को लेने के लिए, ताकि वो परेशान ना हो, क्योंकि मैं जैसे ऑर्डर दे के आया तो अंदर नहीं गया, तो मैं सोच रहा था कि बाहर से ही चला जाऊँ, कोई काम ना हो। तो इस वजह से मैं सितारा को बता देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ कौसर और इब्राहिम को लेने के लिए, कोई काम तो नहीं है। तो चले मैं अभी अंदर चलता हूँ। आज होने वाली है हमारे ब्रांड की ओपनिंग, यहाँ पर सितारा जो है वो भी रेडी है। माशाल्लाह इस ड्रेस में तो आप प्यारी लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। और मेरा ना ड्रेस नहीं मैच हो रहा था, मैंने कहा चलो ये पर्पल मैच हो रहा है। नहीं, ये तो मैच हो गया, व्हाइट नहीं था ना। और बच्चों ने भी माशाल्लाह प्यारे ड्रेस पहने हुए हैं। और यहाँ पे आयत, आयत 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 बिजी है। हाँ चले मैं कौसर और इब्राहिम को लेकर आता हूँ, ठीक है? आप लोग ये सब सेटअप करो। हाँ, और वो बाबर वाले वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर तक। हाँ, सबको टाइम दिया हुआ ना, तो अपने अपने टाइम पर आएंगे। तो चलें अभी मैं चलता हूँ और डोर बंद कर देता हूँ। बच्चे सब हैप्पी हैं, सितारा भी बहुत ज़्यादा खुश है। तो माशाल्लाह ऐसे ही सब हंसते मुस्कराते रहें, तो हमारी खुशियाँ जो है ऐसे चलती रहें एंड तक। तो माशाल्लाह से आज सितारा जो अपने ब्रांड की ओपनिंग करने जा रही है, तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि सितारा के जो ब्रांड है आपकी दुआओं से और अल्लाह पाक के करम से आगे तक चलता रहे। तो अभी मैं जा रहा हूँ इब्राहिम और कौसर को लेने के लिए, और आज सितारा और कौसर की मुलाकात भी होने वाली है। तकरीबन दो तीन महीने हो गए हैं इनकी मुलाकात आपस में नहीं हुई। मैं घर पहुँच गया हूँ और अभी मैं अंदर चलता हूँ, गाड़ी को ऑफ कर देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, माशाल्लाह आप रेडी हो गई, इब्राहिम रेडी है? कहाँ इब्राहिम, कहाँ है इब्राहिम, सो रहा है? ओह, नींद आ गई इब्राहिम को तो। हाँ चलें, इसका बैग रेडी करें, तो इसको लेके चलते हैं। अरे बेबी उठ के आ गया, मोहम्मद इब्राहिम उठ के आ गया। हाँ अभी कहाँ जा रहे हो? बहन भाइयों से मिलने के लिए जा रहे हो? हाँ बहनों से मिलने जा रहे हो? हाँ एक मिनट में पकड़ता हूँ, बैग भी लेके जा रहा, इसमें सारा सामान डाल लिया। हाँ आ जाओ। ओ भाई साहब, कैसे लो, कैमरा पकड़ू या आपको लूं? हाँ एक मिनट, अब सही है, अब सही हैंडल किया ना आपको। हाँ अच्छा ना, वो क्यों रो रहा है? अब नहीं देखता मैं आपको, अभी अभी नींद से उठा ना, तो इस वजह से। और जैसे ये गाड़ी में बैठ जाएगा ना, तो बाहर की दुनिया को देखेगा, बाहर की आती जाती गाड़ियों को देखेगा, तो बहुत ज़्यादा खुश होगा। अभी अभी नींद से उठा ना, तो इस वजह से रो रहा है। तो चले बाहर चलते हैं, बाहर चले। हाँ इब्राहिम, अभी मैं बाबर वालों को भी कॉल कर लेता हूँ, ताकि बाबर वाले भी अपनी गाड़ी लेके आ जाएं, तो हम एक साथ यहाँ से निकलेंगे। तो चलें जी, इब्राहिम जो है रेडी है बिल्कुल गाड़ी में बैठने के लिए। चलें, सर्दी लग रही है बाहर, सर्दी है, तो चलें। चलो 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 चलो, भाग के चलो। तुम्हारी मम्मा भी आ गई, वो देखो, बैग पीछे रख दो, चले जाए अपनी मम्मा के पास जाओ, मैं गाड़ी चला लूँ, ठीक है? चलो गुड बाय, चले चले। आइए तैयार याद कर रहे हैं आपको। तो चले हम घर पहुंच गए हैं और मेहमान भी आए हुए हैं, इरफान भाई भी आ गए हैं और फैज़ा सिस्टर भी आ गई है। चले आ जाए अभी, बैग चलो मुझे दे दो, बैग मुझे दे दो, चलो आ जाओ। तो अभी हम चलते हैं अंदर, चलो चलो। इब्राहिम आ गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो?
अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, खैरियत? अभी हम आ गए कमर्शियल एरिया में पकवान सेंटर पर। इरफान भाई को भी साथ लेके आ गया हूँ। अभी हम किचन पर पहुँच गए हैं और सामने इनका किचन है। एक देख तो आ गई है, क्योंकि थोड़ी बड़ी बड़ी देगे हैं ना तो नहीं आएंगी, तो सीटों को लिटाना पड़ेगा। तो चले, एक देख तो आ गई है, अब दो देगे रह गई है। अभी गाड़ी की सीटों को लिटा दिया है, तो अभी तीन देगे जो है वो आराम से आ जाएंगी। कौन सी बनाई है, कराची वाली या पिशावर वाली? कराची वाली का निकला जी, बल्दिया का। वैसे भी मैं इन्हीं से बनवाता हूँ और इनकी बिरयानी काफी अच्छी होती है। नहीं, मैंने लास्ट टाइम भी खाई थी, वाकई मजेदार थी। तो तीनों देगे जो है वो ट्रंक के अंदर आ गई है, तो अभी हम चलते हैं। चले इरफान भाई, नान वाले ने नान रेडी करके रखे हैं, तो वो भी उठा लें। हाँ, नान भी उठाने, ठीक है। यहाँ पर पार्किंग नहीं है, तो इरफान भाई को मैंने भेजा है, तो वो नान लेके आ रहे हैं। ये देखें, ये गाड़ी निकलने वाली है ना, तो मुझे अपनी गाड़ी जो है ना आगे करनी पड़ेगी। तो हमारे नान जो है वो रेडी होके आ चुके हैं। आगे चल रहे, पूरे हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, दो पैकेट वो लेके आ गए, चार पैकेट पूरे हो गए। चले ठीक है, ओके थैंक यू। तो खाना लेने के बाद हम घर पहुँच गए। ये छोटा दरवाजा या बड़ा गेट खोलना पड़ेगा? चल मैं देख अकेले से उतारता हूँ, ट्राई करता हूँ। अभी हम पहुँच गए हैं बेकरी पर और यहाँ से केक जो है वो रिसीव करना है। कल मैं और सितारा आए थे यहाँ पर, ऑर्डर दे गए थे और अभी इन्होंने रेडी करके रखा होगा। तो चल इरफान भाई अंदर चलते हैं और केक उठाते हैं, चलते हैं देखते हैं कि उन्होंने आज कैसा बनाया केक। देखते हैं। तो हमारा केक जो है रेडी है, ये रहा हमारा केक। हमारा केक जो है वो पैक हो रहा है और इरफान भाई भी मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। सीटों को सीधा ना कर रहे हैं, सीधा बस एक ठीक है ना, एक ठीक है, दूसरी को भी सीधा कर देते हैं। ये लोग जो हैं यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हैं। इब्राहिम आपने खाया है? अभी हंस रहा है, पटाखों से डर गया था तो रोने लग गया था। कैसा बना है सालन? अच्छा अच्छा है। बिरयानी भी टेस्ट किया नहीं की? और आये जो अपने भैया को लेके बैठी हुई है, टीवी देख रही है सामने। इब्राहिम ओ नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। अच्छा ऐसे बिठा रही हो? एक मिनट। चल क्या हुआ, नहीं बैठ रहा? हाँ क्या हुआ, नहीं बैठ रहा? अच्छा अच्छा, मैं उठाता हूँ। तो माशाल्लाह से ब्रांड के लोगों को रिवील कर दिया है सितारा ने, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा बना हुआ था। और काफ़ी सारे गेस्ट भी आए हुए थे, इरफान भाई वाले, बाबर वाले, तो सारी फैमिलियाँ यहाँ पर मौजूद थी। फैज़ा सिस्टर भी आई थी और मेजर अंकल की फैमिली जो है वो नहीं आ सकी, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बीमार है। तो हम भी पूछने गए थे उनको, तो उस टाइम भी उनकी तबीयत जो है ना इतना ज़्यादा ठीक नहीं थी। आज भी मैंने फ़ोन करके उनको बुलाया था, तो वो कह रहे थे हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आएंगे। और तहरा सिस्टर को भी इन्वाइट किया था, उनकी भी अम्मी की तबीयत जो है वो ख़राब है। फैज़ा सिस्टर तो आ गई थी और तहरा सिस्टर जो है वो अपनी अम्मी के पास थी। एक बहन जो है वो अम्मी के पास रहती है, तो दूसरी जो है अपने काम वाम करते रहते हैं। तो माँ बाप की खिदमत करना भी बच्चों का फ़र्ज़ है, तो ये तो अच्छी बात है, ये काम तो होते रहते हैं। सबसे पहले जो है माँ बाप की रिस्पेक्ट, वो बहुत अहमियत रखती है। अगर हम अपने माँ बाप को इज़्ज़त देंगे इस दौर में, इस दुनिया में, तो हमें भी अपने बच्चे जो हैं वो इज़्ज़त देंगे। अगर हम अपने माँ बाप की खिदमत या ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे भी वैसे ही होंगे, वो भी वैसे ही करेंगे जैसे हम अपने वालदैन की खिदमत अगर करेंगे तो मिलेगी, नहीं करेंगे तो हमें भी नहीं मिलेगी। तो चले, सारा काम जो है वो हो गया है, तो अभी कौसर और इब्राहिम जो है वो रेडी हैं। मैंने खाना जो है वो गाड़ी में रख दिया है और इब्राहिम की कंबल भी आ गई, साथ में इब्राहिम का बैग भी आ गया और ख़ुद इब्राहिम भी आ गया। चलो चलो बैठो, चलो चलो बैठे बैठ। ओके इब्राहिम, ओके इरफान भाई, इब्राहिम कह रहा हूँ। चलो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलो मुन्ना घर आ गया, चलो आ जाओ। चलो चाबियां दो, मैं जाके डोर खोलता हूँ। कहाँ है बैग? में आप बैग उठा लें, तो ये सामान लेके मैं आ रहा हूँ सारा। छोड़ दो इसको, मैं लेके आता हूँ। तो मैंने सालन और बिरयानी ये सब उठा लिया था घर से, और जो हमारे वर्कर हैं उनको खाना देंगे और बराबर में जो हमारे हमसाए हैं उनको भी देंगे। सारा खाना जो है ना फ्रीज़र में रख दो, ठीक है, सुबह फिर बांट देना। कुछ तो वर्कशॉप वालों के लिए जो काम कर रहे हैं ना लड़के, उनके लिए, और ये जो बराबर में हमारा हमसाया है ना उसको भी दे देना,
और अपने लिए भी रख लेना, ठीक है ना। अभी फिलहाल सारे का सारा खाना जो है ना फ्रिज के अंदर रख दो बस। आ जाए मैं ये डोर खोलता हूँ, लाइट ऑन करूँ। चल नीचे रखोगे ना, चलो रख लो, एक एक करके ना रखो, एक के ऊपर एक नहीं रखना, ठीक है, एक के ऊपर एक नहीं रखना, ठीक है, अलग अलग करके रखो। क्यों, खराब तो नहीं होगा ना सुबह तक? इनके ढक्कन उतार के रख दो ताकि इनको ठंडी हवा लगती रहे। वैसे है तो ताज़ा खाना, खराब नहीं होगा। हम घर वापस आ गए और इब्राहिम को नींद आ रही थी तो इब्राहिम को हमने सुला दिया है। तो कौसर जो है अभी खाना फ्रिज के अंदर रख दिए। तो अपने व्लॉग का भी मैं यहीं पर एंड करता हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलूंगा कल। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, क्योंकि गला भी मेरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है।